कि जो जमी पर उतर कर जिया ही नहीं, जो जमी पर उतर कर जिया ही नहीं, जहर जिंदगी का पिया ही नहीं। क्या बात है भैया, वाह। दूसरों के वास्ते कुछ किया ही नहीं, क्या बात है। जो दूसरों के वास्ते कुछ किया ही नहीं। कुछ दिन पहले एक समाचार पत्र में एक सूचना आई थी, लेकिन ये नहीं बताऊंगा कि किस प्रदेश में थी, किस देश में थी, किस पार्टी की थी, लेकिन कविता देखें, एक छोटा सा प्रयास है, उसके बाद मैं अपने मूल स्वरूप में आऊंगा, आपको गीत सुनाऊंगा, लेकिन इस हास्य व्यंग के बाद एक प्रार्थना के तौर पर एक मुक्तक और। कि दर्द को गीतों में गुनगुनाता रहूं, मंच का भी ध्यान चाहूंगा। हाँ भाई। दर्द को गीतों में गुनगुनाता रहूं, हर घड़ी प्यार के गीत गाता रहूं, मुझ पर इतना करम कर खुदा कि गर्दिशों में भी मैं मुस्कुराता कि गर्दिशों में भी मैं मुस्कुराता रहूं। बहुत अच्छा। एक दिन मंत्री जी सर्किट हाउस में आराम फरमाया। अच्छा, ये मेरा प्रयोग है। एक दिन सर्किट हाउस में मंत्री जी ने आराम फरमाया, गजब की घटना घट गई मेरे भाया, गजब की घटना घट गई मेरे भाया, मंत्री जी को कुछ काट लिया, मंत्री जी को कुछ काट लिया। मंत्री जी घबराए, वैद को बुलाए, मंत्री जी घबराए, वैद को बुलाए, बोले वैद जी करिए कुछ आप, लगता है मुझे काट लिया है सांप। मंत्री जी, वैद जी करिए कुछ आप, लगता है मुझे काट लिया है सांप। मंत्री जी की बात सुन सांप प्रकट हो गया, मंत्री जी की बात सुन सांप प्रकट हो गया, बोला मंत्री जी बेवजह मुझ पर मत लगाइए इल्जाम, बेवजह मुझ पर मत लगाइए इल्जाम, मेरा नहीं है यह काम, मेरा एक उसूल है, मेरा एक उसूल है, मेरे जीवन का एक रूल है, मैं अपनों को नहीं काटता, मैं अपनों को नहीं काटता, मेरे अपनों में है आप, मैं बिस्तर हूं, आप बिस्तर के हैं बाप, मैं बिस्तर हूं, आप बिस्तर के हैं बाप। अब थोड़ा व्यंग देखेंगे, यहां से एक प्रयोग है। मैं बिस्तर हूं, आप बिस्तर के हैं बाप, मेरे काटने से लोग सच में मर जाते हैं। ये संवाद देखें, मंत्री जी और सांप के बीच का संवाद, कि मेरे काटने से लोग सच में मर जाते हैं, आपके काटने से लोग जिंदा लाश बन जाते हैं, आपके हर झूठ में लोगों को सच्चाई दिखती है, आप मुझसे बड़े बिस्तर हैं, लोगों को आप में अच्छाई दिखती है, क्या बात है, इसीलिए आप जीत जाते हैं, इसीलिए आप जीत जाते हैं, 5 साल विष बोकर ओट की फसल उगाते हैं, क्या बात है, 5 साल विष बोकर ओट की फसल उगाते हैं, मेरा कहना मान जाइए, मुझे जान जाइए, मैंने आपको नहीं छुआ है, मंत्री जी आपको काटा चूहा है, आपको काटा चूहा है। क्या बात, यह सूचना सभी लोग पढ़े होंगे। आइए मैं अपने मूल स्वरूप में आता हूं, मैं
गीतों को लिखता हूँ और आपको परोस रहा हूँ। उसके पहले एक गजल के दो मिसरे, उसके बाद एक गीत। आज देश का माहौल आप सभी जानते हैं। इस बीच एक निवेदन आप सभी से है, यार नफरत बढ़ाने से क्या फायदा, यार नफरत बढ़ाने से क्या फायदा, अपने दिल को जलाने से क्या फायदा, सभी तो अपने है दिल से लगा लीजिए, रंजो गम सब दिल से भुला करके, अब इसी की जरूरत है आज कि रंजो गम सब दिल से भुला करके, अब दुश्मनों को भी अपना नफरत बढ़ाने से क्या फायदा। और इस गजल की सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति पढ़ के मैं गीत पढ़ूंगा कि हम सब बंदे, बहुत मार्मिक है और आप सभी का ध्यान चाहूंगा, कि हम सब बंदे उसी एक दाता के हैं, हम सब बंदे उसी एक दाता के हैं, मंदिर मस्जिद का झगड़ा मिटा दीजिए, यार नफरत बढ़ाने से क्या फायदा। और एक छोटी सी रचना कि अब यहाँ अजीब मंजर दिखाई देता है, अब यहाँ अजीब मंजर दिखाई देता है, पैसों का खेल संसद के अंदर दिखाई देता है, क्या बात है, अब यहाँ अजीब मंजर दिखाई देता है, पैसों का खेल संसद के अंदर दिखाई देता है, अब बचा लो लोकतंत्र की आबरू यारो, रक्षकों के हाथ में अब खंजर दिखाई देता है। ऐसी परिस्थिति में एक प्रश्न आपके सामने छोड़ना चाहता हूँ कि वो हमारा हिंदुस्तान कहीं खो गया है, वो साझी विरासत का हिंदुस्तान, वो मिली जुली संस्कृति का हिंदुस्तान कहीं खो गया है। इस गीत के माध्यम से उसको खोजने का प्रयास कर रहा हूँ। आप ध्यान देंगे कि देश की खातिर सर जो कटा दे, देश की खातिर सर जो कटा दे, अब वैसा इंसान कहाँ है, अब वैसा इंसान कहाँ है, खोज रहा हूँ मैं शिद्दत से अपना हिंदुस्तान कहाँ है, खोज रहा हूँ मैं शिद्दत से अपना हिंदुस्तान कहाँ है, अपनी संस्कृति ज्ञान के बल पर कभी विश्व गुरु कहलाए थे, अपनी संस्कृति ज्ञान के बल पर कभी विश्व गुरु कहलाए थे, मानवता का दीप जला कर बुद्ध रोशनी लाए थे, अब वैसा परिवेश और अब वैसी पहचान कहाँ है, खोज रहा हूँ मैं शिद्दत से अपना हिंदुस्तान कहाँ है, खोज रहा हूँ मैं शिद्दत से अपना हिंदुस्तान कहाँ है। मैं इतिहास का विद्यार्थी और इतिहास का प्रयोग इस गीत में किया हूँ। आप ध्यान देंगे कि जिनका सूरज डूबता नहीं था उनका सूरज हमने डुबाया, जिनका सूरज डूबता नहीं था उनका सूरज हमने डुबाया, बात है यह अंग्रेजों की जिनको मिलकर के हम सबने भगाया, बहुत अच्छा, स्वतंत्रता आंदोलन समय की एक तवाली शान कहाँ है,
स्वतंत्रता आंदोलन समय की एक तवाली शान कहाँ है, खोज रहा हूँ मैं शिद्दत से अपना हिंदुस्तान कहाँ है, खोज रहा हूँ मैं शिद्दत से अपना हिंदुस्तान कहाँ है। और एक प्रयोग देखिए कि लाख मुसीबत आई मगर सत्य से ना समझौता किए। इतिहास की बात है कि लाख मुसीबत आई मगर सत्य से ना समझौता किए, राजा से वो रंग हुए पर सत्य से पगना डिगने दिए। राजा हरिश्चंद्र वाला भारत का स्वाभिमान कहाँ है, राजा हरिश्चंद्र वाला भारत का स्वाभिमान कहाँ है, खोज रहा हूँ मैं शिद्दत से अपना हिंदुस्तान कहाँ है, खोज रहा हूँ मैं शिद्दत से अपना हिंदुस्तान कहाँ है। और इस गीत लंबी गीत है, एक बंद और पढ़ के अपना स्थान लूंगा। कि धन धान सब भरा रहा नहीं कोई यहाँ कमी रही, धन धान सब भरा रहा नहीं यहाँ कोई कमी रही, यही धरा है जहाँ कभी दूध की अविरल नदी बही। बहुत अच्छा। यही धरा है जहाँ कभी दूध की अविरल नदी बही, कि सोने की चिड़िया वाला भारत का अभिमान कहाँ है, खोज रहा हूँ मैं शिद्दत से अपना हिंदुस्तान कहाँ है, खोज रहा हूँ मैं शिद्दत से अपना हिंदुस्तान कहाँ है। कि बनारस की सुबह अवध की शाम है जिंदगी, बनारस की सुबह अवध की शाम है जिंदगी, गम और खुशी का दूसरा नाम है जिंदगी, किसी के लिए कुछ किसी के लिए कुछ, हमारे लिए सिर्फ एक मुकाम है जिंदगी, हमारे लिए सिर्फ एक मुकाम है जिंदगी। बहुत बहुत धन्यवाद।